माननीय विधायक जी की रुद्र प्रयाग श्री भरत सिंह चौधरी साहब के अनुरोध के माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती सेना रानी राहुल जी माननीय विधायक जी दादा जी से भी अनुरोध की माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। और आप सबके कर्तव्य भरे माननीय विधायक जी से अनुरोध माननीय विधायक चौधरी साहब से अनुरोध स्टॉल भेज कर अंग वस्त्र अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अमरदेव सहादी माननीय जिला पंचायत अयोध्या पुष्प गुच्छ भेज कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कर रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री महावीर पवार जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उनसे भी अनुरोध की पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पुनः अनुरोध है माननीय विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी से माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का स्वागत और अभिनंदन। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक रुद्र प्रयाग श्री भरत सिंह चौधरी जी अपना संबोधन देंगे। आज कोटगी नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं रुद्रप्रयाग की तमाम जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो कि इस प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री भी है और इस नर्सिंग कॉलेज के विस्तार में इसके विस्तार के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में होने वाला है। मैं उनका भी रुद्रप्रयाग की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती शैला रानी जी विराजमान है। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती अमरदेवी साहब भी मंच पर विराजमान है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस सारी वार्ड की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सविता भंडारी जी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और प्रातः स्मरणीय हमारे स्वामी शिवानंद महाराज जिनकी अनुकंपा से रुद्रप्रयाग में हमें जिला चिकित्सालय का एक दूसरा परिसर मिला है। लगभग 25 करोड़ रुपए की इस संपत्ति को आपने उत्तराखंड सरकार को निशुल्क दान दिया है और मैं हर मंच से कहता हूं कि आप जो 108 दिवंगत हमारे स्वामी सज्जानंद जी थे उन्हीं की तर्ज पे उन्होंने रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग जो शहर है उसकी नींव रखी थी और आधुनिक रुद्रप्रयाग के निर्माता डॉक्टर हमारे स्वामी शिवानंद गिरी जी हैं
और उन्होंने न सिर्फ उस चिकित्सालय को प्रदेश सरकार को दान दिया है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगर सब कुछ